हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम की, चाहे वो यूजीसी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी ईएमआरएस या फिर उड़ीसा एसएसबी या फिर झारखंड पीजीटी, जितने भी आगे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए फटाफट से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग 2014 से लेकर 2023 तक जो स्कीम थी वो हमने सेपरेट डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो देख लेना, डिटेल में हमने सभी चीजें उसमें कवर करी थी 2014 से लेकर 2023 तक की गवर्नमेंट की पॉलिसीज, है ना, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस, हर एक जितने भी हमारे पास स्कीम्स होती है उनको डीप में एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ ईयर देखेंगे ईयर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन उसमें से आपके रिपीटेड ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूजीसी नेट में भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीजीटी नेट एग्जाम में भी या पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, नेट के अलावा। और अगर हम बात करें अदर सेट वगैरह की तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो मोस्ट आईएमपी वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर वन से शुरू करते हैं, 1952 से हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, So, यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे और 2023 तक जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वहां तक, है ना, फटाफट से डिस्कस करेंगे। सेशन को बहुत छोटा रखेंगे ताकि कम समय में ज्यादा पॉइंट कवर हो जाए, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहना। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप में बाद में इसका जो वीडियो का लिंक पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आगे देख चलते हैं। 1961 ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो है अभी यूजीसी नेट एग्जाम में भी आया था, तो मोस्ट आईएमपी आप कह लो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आईएडीपी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1964 में आया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम आईएपी, ईयर याद रखिएगा मेनली। नेक्स्ट क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम्स 1965, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स 1966-67, ये पार्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन का और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है यूजीसी नेट में। 2013 के बाद आप क्वेश्चन देखना शुरू करना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे यूजीसी में भी और बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पीजीटी एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइमिंग आपको दी हुई है, जो ईयर है 66-67, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 1969, और 1969 में ही एक और एक्ट आया था, हमने एक्ट बहुत डिटेल में भी किए थे डिस्कस, माइंड में स्ट्रक कर गया होगा, 1969 एमआरटीपी मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 में सेटअप हुआ था। हमने एक्ट वाली वीडियोस भी की थी, 70+ एक्ट जिसमें थे, वहां से भी सुपर श्योर है एक क्वेश्चन तो आना ही है, कहां से पूछेगा, यहीं से तो पूछेगा एक्ट में जितने भी स्कीम्स हैं, क्रोनोलॉजी भी पूछेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सेशंस 1972 में, देखो स्कीम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, हालांकि इसमें से कुछ भी रेंडमली पूछा जा सकता है और क्रोनोलॉजी भी आ सकती है, जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हम लोग फिर भी हाईलाइट करके बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम 1972-73 में ही ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम 1973 में ही कैश दैट इज क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट CSRE। नेक्स्ट मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर एजेंसी 1973-74, इनमें से चेक करिएगा कि कितने गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जाहिर सी बात है आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो आपने ये स्कीम्स देखी भी होंगी जो मेन मेन वाली है, कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में से आ जाते हैं, तो इसलिए सभी ईच एंड एवरी जितनी भी स्कीम्स थी वो सब हमने कवर करी है। नेक्स्ट स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट स्कीम्स 1974-75, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CADP 1975। नेक्स्ट 1975 में ही 20 पॉइंट प्रोग्राम क्रोनोलॉजी में एक क्वेश्चन बन चुका है, तो पीजीटी लेवल पे भी और यूजीसी लेवल पे भी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा है। आगे चलते हैं, 77 इमरजेंसी का जो टाइम था 75-77 नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद 77-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP 1977-78, 77-78 में ही फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया, डोंट बी कंफ्यूज, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो 2004 में आया, जो हमारा ये वाला है ना नेशनल फूड दैट इज फूड फॉर वर्क, ये 77-78 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में आपके काम आएगा।
ठीक, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 77-78 अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना 2000 में भी रिपीट हुई, उसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना 2000 वाली। लेकिन जो अंत्योदय योजना है वो 77-78 की है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में, दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम में इस टाइप ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और पूछे भी जाते हैं। जो क्रोनोलॉजी आएगा ना, ये अंत्योदय योजना तो हमें माइंड में जाएगा 2000, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना 2000 और अंत्योदय योजना इनिशियल जो है 1977। नेक्स्ट आगे देखो 79 में ट्राइसेम। ट्राइसेम वाली ये तो ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, क्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स IRDP, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप IMP की कैटेगरी में रखिएगा। नेक्स्ट 1980 नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स NREP, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखो 1982 डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरियाज, और 1982 ही 2 में ही 12 जुलाई को एक एपेक्स बॉडी डेवलप हुई थी, कौन सी? 12 जुलाई 1982, अब तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, नाबार्ड। ठीक है, कमेंट करिए अगर कि नाबार्ड के जो नाबार्ड सेटअप हुआ था किसकी रिकमेंडेशन से वो सेटअप हुआ था, थोड़ा कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट 1983 रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स, 1983 है ना, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट 83-84 में ही फार्मर्स एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर। नेक्स्ट 1984 नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान सकते हो 1984। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स IMP इंपॉर्टेंट है 1985। नेक्स्ट आगे चलो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी का पार्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, डेट आपको याद होगा इनका 1986। अगेन 1986 में ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द पुअर स्टेप अप, अगर हम बात करें 1986। नेक्स्ट 1986 में ही नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन भी आया, और 1986 में ही राजीव गांधी का टाइम ड्यूरेशन में ही एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी सेटअप हुई थी। फिर अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी फिर इसी को क्या किया था, थोड़ा सा रिन्यू कर दिया गया था, एक्शन प्लान ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 वाला। ये क्वेश्चन आ गया था कि एक्शन प्लान कौन सी ईयर में हुआ 1986 के एजुकेशन पॉलिसी का। कहने वाली बात यह है कि जितने भी डेट्स हैं वो आप लोग क्रोनोलॉजी वाइड याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं एग्जाम में जो हम सुनते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है वहीं से, है ना। चलिए आगे चलते हैं सर्विस एरिया काउंट 1988, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है अभी जो आ रहे हैं, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, हालांकि बात एक ही है लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकता है। सो एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट डेट 1989। नेक्स्ट 1990 एग्रीकल्चर रूरल डेप्ट रिलीफ स्कीम, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। नेक्स्ट 1990 में ही स्कीम फॉर अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्योम अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस याद रखिएगा। नेक्स्ट 90 में ही स्कीम फॉर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ये दोनों सेम टाइम। नेक्स्ट स्कीम फॉर हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन SHASU, ठीक तो ये भी 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, थोड़ा सा बताना थोड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फादर हम किसको बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है पहले से, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991। ठीक है थोड़ा कमेंट करिएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक वॉलेंट्री डिपॉजिट स्कीम 1991, ये इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप, ठीक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेशनल रिन्यूअल फंड, नेशनल रिन्यूअल फंड 1992, हालांकि क्वेश्चन नहीं आया है। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम्स इंपॉर्टेंट है 1993, ठीक है नेशनल एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम्स। नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, हालांकि ये सिर्फ इतना ही है लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लेकिन MP उसमें ठीक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट 1994 स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मेगा सिटीज, सो 1994 अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं बना। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है 1993। नेक्स्ट महिला समृद्धि योजना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना महिला समृद्धि योजना, क्योंकि ऐसे ही योजना 2022-23 में भी अभी
आई थी, महिला समृद्धि सम्मान योजना करके अभी एक स्कीम फिर आई थी, उस वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 1993 आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी में काम आएगा ये, चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन स्कीम्स। नेक्स्ट 1995 प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। जितने भी ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ये बहुत पुरानी, इसमें नाम मात्र के जो कुछ कुछ पॉलिसीज हैं वो रेंडमली पूछ सकता है। हालांकि मिड डे मील जो है, देखो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, मिड डे मील कब सेटअप हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि विच वन इज फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील, है ना, 1995 में तो आया। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा स्टेट फर्स्ट था। ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 1996, क्योंकि वो क्वेश्चन बन चुका है कि फर्स्ट मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा स्टेट था। नेक्स्ट ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल एरियाज 1996। 1995 में देख लो, उससे थोड़ा सा पहले नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट गंगा कल्याण योजना 1997, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। नमामि गंगा योजना ये जरूर बना है, जल मिशन योजना वो जरूर बना है। चलिए आगे देखते हैं 1997 कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कस्तूरबा गांधी, जैसे एकलव्य मॉडल एजुकेशन स्कूल है ना, वैसे ही कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम भी। कब आई? 1997, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। शहरी रोजगार आया 1997 और जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना है वो आएगा 1999 में। ठीक है दोनों का थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट 1998 भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी, अलग इस टाइप का भी नहीं पूछा। नेक्स्ट अब आ गया 1999 अन्नपूर्णा योजना। ठीक है 1999। नेक्स्ट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो इसकी हम बात कर रहे थे 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट जनश्री बीमा योजना 2000 और 2000 में ही नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी भी आई थी, उसका भी पूछ लेता है कि क्या टारगेट है, क्या क्या इसमें बातें कही गई थी। ठीक नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिसंबर 2000 में ही एक और स्कीम अंत्योदय अन्न योजना जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो पहले स्कीम थी सिर्फ अन्न नहीं था उसमें, ठीक है अंत्योदय योजना था 1977 वाला जो था, अब इसमें एक वर्ड यूज हो गया अन्न योजना तो ये बन गया अंत्योदय अन्न योजना, डेट याद रखना 2000। हालांकि अगर इसका आप सिर्फ ईयर याद रखोगे इट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ईयर याद रखोगे तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन यहां से किस ईयर में सेटअप हुआ ये आएगा, जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं ना, यूजीसी नेट भी अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इंटीग्रेटेड जो ये वाला क्वेश्चन, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनडायरेक्ट भी बन सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं दिसंबर, अगेन डेट सेम है 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली ग्राम सड़क योजना, जितने भी गांव है ना वहां वहां तक रूट है, और आप देखना उसमें जो माइलस्टोन होता है उसमें जो ग्राम सड़क योजना है उसमें माइलस्टोन होगा ऑरेंज कलर, है ना, और आपको पता ही है जो स्टेट हाईवे है उसमें ग्रीन कलर रहता है, जो नेशनल हाईवे है उसमें माइलस्टोन बना होता है येलो कलर का, ये तो बेसिक आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट 2001 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 यूपीए गवर्नमेंट की स्कीम, यूपीए गवर्नमेंट तो नहीं यहाँ पे वाजपेयी की गवर्नमेंट मतलब बीजेपी वाली। नेक्स्ट 2001 वाल्मीकि अंबेडकर योजना, ठीक है 2001। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स 2003 यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट आ जाइए वंदे मातरम स्कीम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम स्कीम्स कब आई 2004 ना, 2004 से लेकर 2014 तक किसी गवर्नमेंट रही यूपीए की, अब जितने भी स्कीम्स आएंगे 2014 तक वो आएंगे कांग्रेस पार्टी के स्कीम्स मेनली 97 से लेके या फिर 1990 से क्योंकि 5 साल तो गवर्नमेंट चली होगी, तो 2004 तक वो पॉलिसी थी बीजेपी गवर्नमेंट की, अब यहाँ पे जितने भी पॉलिसीज हैं वो है कांग्रेस की, जैसे नेशनल फूड फॉर वर्क
अब वहां से थोड़ा सा चेंज हो गया, नेशनल इसमें जुड़ गया, पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था 1977, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नेशनल जुड़ा हुआ है तो 2004। नेक्स्ट 2004 में ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो पहले सेटअप हुआ, इनिशियल स्कीम्स 19 हमने पहले किया था 97। नेक्स्ट 2005 देखो, जननी सुरक्षा योजना स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, जननी सुरक्षा योजना कब आई। नेक्स्ट भारत निर्माण, बहुत फेमस सॉन्ग था ये, हो रहा है भारत निर्माण कांग्रेस पार्टी का, 2005। नेक्स्ट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, ये भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, पीएम आदर्श ग्राम योजना, हम लोग आई थिंक थोड़ा आगे चले गए हैं, यहाँ पे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। अब यही जो स्कीम्स है ना, थोड़ा वो इनके नाम चेंज करके कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 2005 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, ये याद रखिएगा, डेट दैट इज 2005 भी याद रखेंगे तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट 2006 में देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, नरेक्स मतलब मनरेगा की जो स्कीम है, एक्ट तो ये 2005 में आया, स्कीम्स या फिर इंप्लीमेंट होते होते 2006 हो गया, काम इसमें जो अप्लाई होना शुरू हुआ 2007 में से काम शुरू हो गया, तो इसका याद रखिए 2006। नेक्स्ट 2007 में देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आम आदमी बीमा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम डेट। नेक्स्ट राजीव आवास योजना 2009, इसका मेन एम क्या था, नेक्स्ट 5 ईयर में स्लम फ्री इंडिया हो जाएगा, स्लम फ्री, लेकिन अभी तक स्लम फ्री नहीं हुआ, अब मे भी हो सकता है कि 20 साल लगे 30 साल लगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, दादर में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा स्लम्स है मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं, पीएम आदर्श ग्राम योजना अब आ गया 2010। नेक्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स 2013, जो जो इंपॉर्टेंट है अभी वो स्कीम्स आप देख लो, आप जितने भी स्कीम्स है ना वो नॉन होंगी आपकी, उसमें से आप जितने स्कीम्स थोड़े बहुत जानते भी होंगे। आगे देखो, संसद आदर्श ग्राम योजना, अब कौन सी गवर्नमेंट, अब आ गई बीजेपी गवर्नमेंट, अब ये जितने स्कीम्स है वो पूरी नॉन होंगी आपकी माइंड में, पूरी पिक्चर बन जाएगी। नमामि गंगा योजना, नमामि गंगे योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014, जनधन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, जनधन योजना, ठीक है, ये डेट थोड़ा सा मेंशन करना कि कौन सी डेट में जनधन योजना सेटअप हुआ था, क्योंकि डेट भी पूछता है कई बार, अगस्त कौन सी डेट थी वो जिसमें ये सेटअप हुआ था। चलिए तो मेन बात ये है कि ईयर अभी याद करना, और अभी ये क्वेश्चन इसमें से ये भी बनता है कि इस डेट तक कितना इसमें अकाउंट सेटअप हो चुका, मतलब कितने अकाउंट ओपन किए गए हैं। अगस्त का जो डेटा था, अगस्त 2023 का, उसके अकॉर्डिंग 50 करोड़ अप्रोक्स जो है बैंक अकाउंट खोले गए हैं, यही क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब और टेलीग्राम पोस्ट में भी। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान जो अभी धड़ल्ले से चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, 2014 का ही है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम अमृत बोलते हैं, अमृत 2015, क्वेश्चंस यहां से आ चुके हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अभी वही अन्न वाली ही योजना है लेकिन थोड़ा नाम नाम के चेंज हो गए, 2015, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र आपने देखा होगा सिटीज वगैरह में, जन औषधि केंद्र गवर्नमेंट ने कुछ कुछ आउटलेट खोल के रखे हुए हैं अपनी सिटीज में, अपने आउटलेट खोल के रखे हुए हैं दवाइयों के, मेडिसिन के। नेक्स्ट पीएम कौशल विकास योजना 2015, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट पे ही गवर्नमेंट काफी खर्चा करती है हर साल, हालांकि उसका आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है ये ठीक है मेन बात है। नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि योजना मोस्ट आईएमपी सुकन्या समृद्धि योजना, अब मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जितने भी ये पॉलिसीज आ रही है इनका अब ना डेट भी याद करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो कि किस डेट में, क्योंकि यही आप क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, मार्च जो सेटअप हुआ मार्च 2015 में और अगस्त जो 2015 में जो दो पॉलिसी सेटअप हुई वो पूछ लेगा, 2014 के बाद जितनी पॉलिसी है बेटर रहेगा आप उनकी अगर डेट याद करो। नेक्स्ट हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जिसको हम हृदय बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इतनी बढ़िया निकाली हृदय, सो 2015,
नेक्स्ट पीएम कौशल विकास योजना, अगेन विकास कौशल स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। नेक्स्ट है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बन गया उजाला, है ना। शॉर्ट फॉर्म पे इतना ध्यान दिया कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म काफी उसी टर्म से, जैसे उजाला है लाइट से डिनोट कर रहा है, तो जितने भी रूरल एरिया है उनमें हमने सोलर पैनल लग गए हैं, एलईडीज लग गए हैं, वो इसी स्कीम के थ्रू है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, देखो ये वाली जो स्कीम थी, थोड़ा सा आप अपना माइंड माइंड की जो एक्सपर्टीज है थोड़ा वो बढ़ाओ। जीवन ज्योति बीमा योजना और नेक्स्ट जो स्कीम है सुरक्षा बीमा योजना, दोनों ही सेम डे सेटअप हुए, और अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम एक ही दिन सेटअप हुई। बात यह है, अगर डेट याद है तो डेट लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए PMSBY। इसके अंतर्गत सुरक्षा जो है कवरेज है ना, वो कितने से कितने ईयर तक का कवर होता है, एक में 18 से 50 साल है, एक में 18 से 70 साल है, लेकिन किसके अंदर क्या है वो थोड़ा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। जो टाइम लिमिट है किस ईयर से लेके किस ईयर तक, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना इसका टाइम अगर नहीं याद है तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अटल पेंशन योजना ये भी सेम डेट पे, पीएम आवास योजना अर्बन स्पेशली 2015 में, डिजिटल इंडिया ये भी 15, स्मार्ट सिटी मिशन 2015, पीएम मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके डेट भी याद रख लीजिएगा 8 अप्रैल 2015, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन लेयर है, ठीक है, आपको पता ही होगा, आपने अच्छे से इसको किया भी होगा, है ना। शिशु किशोर तरुण तीन कैटेगरीज है, थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताना जो तरुण कैटेगरी है उसके अंतर्गत कितना इन्वेस्टमेंट का लिमिट है। चलिए इन्वेस्टमेंट मतलब जितना भी यहां से लोन का प्रोविजन है। आगे देखते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना आपका इरिगेशन से रिलेटेड है 2015 में ही, 2015 में ना जबरदस्त स्कीम आई, फिर उसके बाद 2016 में भी जबरदस्त स्कीम आई, स्टैंड अप इंडिया, पीएम फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, क्वेश्चन ये बन चुका है कि उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, वेरी गुड, यू नो ये आपको आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एलपीजी कनेक्शन से लेके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुए। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है 16 की, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ सेटअप हुई थी, थोड़ा सा कमेंट करना, ये पेपर वन में क्वेश्चन भी बना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कब सेटअप हुई या फिर कहाँ सेटअप हुई पहली। चलिए 2017 नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान 2018, आयुष्मान भारत योजना जिसको आयुष्मान कार्ड भी बन रहे ना अभी, आयुष्मान भारत 2.0 3.0 चलता रहता है, 2018 ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, मतलब कि फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम्स 2018, यही से एक कमेटी जुड़ी हुई थी जो बात करते थे कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि विच कमिटी इज रिलेटेड टू डबल्स इन फार्मर्स इनकम, कौन सी कमेटी है वो कमेंट करना, क्योंकि यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बन चुका है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है कि कुछ कुछ बच्चों को आंसर याद होगा, तो आंसर याद है फटाफट कमेंट करिएगा ताकि दूसरों को भी पता लगे। चलिए पीएम किसान ऊर्जा संरक्षण दैट इज सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, तो ये भी डेट देख लीजिए 2019, अटल भू जल योजना 2019। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत कितना बजट एलोकेशन हुआ है ना, इस टाइप का। नेक्स्ट पीएम किसान सम्मान निधि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना, फिशिंग से रिलेटेड है, 19 की ही स्कीम है। नेक्स्ट गरीब कल्याण रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें देख लेना कि कितना गवर्नमेंट ने अभी तक स्पेंड किया है, क्योंकि कोविड के बाद यही स्कीम थी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रही थी, गरीबों तक पहुंचा रही थी। नेक्स्ट स्वामित्व योजना, कोविड के बाद की स्कीम है 2020। आगे देखते हैं स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म है स्टार्स, 2020 का ही है। नेक्स्ट पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान 2021 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अग्निपथ स्कीम 2022, हालांकि सभी जानते हैं अग्निपथ का विरोध भी काफी हुआ था। नेक्स्ट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स, अभी इसमें कुछ लिमिट्स भी तय की गई है कि यहां से लेके इतना तक होना चाहिए, थोड़ा बढ़ाया भी है, तो ये स्कीम 2023। चलिए, तो कुल मिला के जितने भी ये स्कीम्स थी, इनको स्कीम्स को क्रोनोलॉजी आप याद कर लेना, डेफिनेटली इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपको बनने ही बनने हैं, चाहे अभी के एग्जाम में बने, नेक्स्ट एग्जाम में बने, पीजीटी में बने, या फिर कोई स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर में बने, या फिर यूजीसी नेट में बने, है ना। तो उम्मीद है कि यहां से आपने बहुत कुछ सारी चीजें सीखी होंगी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मान के चलो आप सीरियस कैंडिडेट्स में से एक हैं। और अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली गवर्नमेंट स्कीम से एमसीक्यूज, है ना। कोशिश करेंगे कि ये सेशन लाइव आने की इसमें। चलिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।